दोस्तों वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों अगर आप ज़िंदगी में सफल होना चाहते हो तो मेरे ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों जैसे आप सभी जानते ही हैं कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7ों दिन अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित हैं। दिन के हिसाब से अगर उस देवता का पूजन किया जाए तो अधिक फलदायक होता है। तो दोस्तों बृहस्पतिवार का दिन भगवान श्री हरि, विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को बहुत प्रिय है। ज्योतिष विद्वान कहते हैं कि सभी ग्रहों में बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह हैं क्योंकि इन्हें देवगुरु की पदवी प्राप्त है। ये भी कहा जाता है कि इन्हें पीला रंग बहुत प्रिय है। गुरुवार के दिन पूजा में पीले रंग की चीज़ों का बहुत महत्व है। इससे श्री हरि और देवगुरु दोनों खुश होकर अपनी कृपा प्रदान करते हैं। जीवन में कभी भी सेहत, धन, सफलता और मनपसंद जीवन साथी से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होने देते। तो दोस्तों आगे हम बताने जा रहे हैं कि गुरुवार यानी बृहस्पतिवार के दिन सुबह उठकर स्नान आदि कर सूर्य देव को जल अर्पित करें और भगवान विष्णु का पूजन करें, साथ ही विष्णु सहस्त्र राम नाम का पाठ भी करना चाहिए। बृहस्पतिवार को सोने, तांबे और कांसे की धातुओं का दान और खरीद जीवन में गुड लक बनाए रखता है और बैड लक को कोसों दूर रखता है। बृहस्पतिवार को चने की दाल और चावल को मिलाकर श्री हरि विष्णु को खिचड़ी का भोग लगाकर बांटने और खाने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। गुरुवार यानी बृहस्पतिवार को पीले फल, फूल, चने की दाल, पीला चंदन, पीली मिठाई, मुनक्का, मुनक्के का आटा, चावल और हल्दी का दान करना चाहिए। इससे भी बढ़कर है केले का दान। इन चीज़ों को दान करने से व्यक्ति धनवान बनता है और परिवार में खुशियां आती हैं। बृहस्पतिवार को पीले रंग की चीज़ें खाने से स्वास्थ्य लाभ होता है, धन का अभाव नहीं रहता और असफलता कोसों दूर रहती है, बुद्धि तेज होती है, समाज में मान सम्मान बढ़ता है। जिन युवाओं को शादी के लिए पार्टनर ना मिल रहा हो तो उन्हें पीले रंग की ज्वेलरी व कपड़े पहनने चाहिए। आगे हम एक अहम बात बताने जा रहे हैं कि पुखराज नग पहनने से बृहस्पति देव का प्रिय बना जा सकता है। किसी कारणवश पुखराज ना पहन सकते हो तो केले की जड़ भी पहनी जा सकती है। इसे धारण करने से पहले किसी योग विद्वान से सलाह अवश्य ले लें। तो दोस्तों जैसे हमारी आज की छोटी सी महत्वपूर्ण वीडियो, कृपया हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि भविष्य में हम आपको और भी अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर आसानी से भेज सकें। आपका मेरी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।